कई लोगों के लिए सोए से पनीर बनाना काफी लंबा काम हो सकता है, इसलिए आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि आप घर पे पनीर बेसन के साथ कैसे बना सकते हैं। हाँ जी, बेसन के साथ। मैंने भी जब ये पहली बार सुना था, मुझे भी काफी अटपटा लगा था, पर जब मैंने ये रेसिपी ट्राई की तो मेरा विचार उसके प्रति बदल गया। तो चलिए ये रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा कप बेसन का, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, एक कप पानी। बेसन को हम एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे और उसमें जो एक कप पानी है वो ऐड कर अच्छी तरह से हिलाएंगे। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम तब तक हिलाते रहेंगे जब तक बेसन और पानी पूरी तरह से मिल ना जाए। बेसन की गांठें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और बेसन स्मूथ हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिक्सचर तैयार है। एक कढ़ाई को हम मीडियम सेक पर गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद ये तैयार किया हुआ बेसन का मिक्सचर उसमें डाल देंगे। उस मिक्सचर में फिर हम एक और बड़ा कप पानी का ऐड कर देंगे, उसी के साथ नमक और हल्दी भी मिला लेंगे। हल्के सेक पर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हिलाते रहिए। आप देखेंगे कि इस मिक्सचर में गांठें बननी शुरू हो गई हैं, पर इसमें कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि 5 से 10 मिनट में ये गांठें डिसॉल्व हो जाएंगी और आपका जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अगर आपके पास कोई टोफू बनाने का मोल्ड है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी एक खांचा या स्टील का बर्तन ले सकते हैं जिसमें एक साफ कपड़ा बिछा के ये मिक्सचर उस कपड़े में डाल लीजिए। अब इस खांचे को हम फ्रिज में कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बना हुआ पनीर अच्छी तरह से फर्म हो जाए। अब ये बेसन का पनीर तैयार है। ये बेसन से तैयार किया हुआ पनीर आप रॉ भी खा सकते हैं या किसी भी डिश में जहाँ पे आपको सोए पनीर की रिप्लेसमेंट चाहिए हो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे आपको बताएंगे कि बेसन के पनीर से आप और तरह के डिशेस कैसे बना सकते हैं।